सुल्तानपुर में कादीपुर कोतवाली अंतर्गत रानीपुर कास्त गांव में बिजली की शॉर्ट सर्किट होने के कारण 65 वर्षीय बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। बब्बन प्रसाद पांडे सुबह नहाने के लिए पानी गर्म कर रहे थे। पानी गर्म होने के बाद गीजर में अचानक करंट उतरने के कारण बब्बन प्रसाद पांडे करंट की चपेट में आ गए और बुरी तरह घायल हो गए। आनंद फानन में परिजनों ने उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कादीपुर में भर्ती किया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिवार में इसको लेकर कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पूरी जाँच शुरू कर दी। सुल्तानपुर आगमन पर एडीजी जोन ब्रजभूषण ने कहा कि अब तक गुंडा एक्ट और गैंगस्टर से जो बच रहे अपराधी हैं उन पर भी कार्यवाही की जाएगी। 3 साल पुराने शराब माफियाओं पर लगेगा गैंगस्टर। दूसरों की संपत्ति और सरकारी जमीन हड़पने वाले बदमाशों को चिन्हित किया जा रहा है। अवैध कब्जा खाली कराते हुए निरोधात्मक कार्यवाही की जाएगी और SP सुल्तानपुर को गुंडा एक्ट और गैंगस्टर की कार्यवाही में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। सुल्तानपुर लखनऊ वाराणसी रेलखंड के महारानी पश्चिम स्टेशन के निकट लखनऊ वाराणसी 4 लेन पर अनियंत्रित ट्रक पलट गई। पुलिस कर रही है मामले की जांच पड़ताल। चांदा थाना क्षेत्र का ये मामला है। अमेठी के थाना सिवरतनगंज पुलिस द्वारा 35 किलो गोवांश के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है और उसे जेल भेज दिया गया। अमेठी के मुसाफिरखाना के दादरा स्थित पौराणिक स्थल माता हिंगलाज मंदिर से कल 32वीं विशाल भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा। हिंगलाज भक्त की टीम ने परिसर में साफ सफाई का अभियान चलाया और लोगों से ज्यादा संख्या में कलश यात्रा में पहुंचने की अपील की। कलश यात्रा में राजा भैया जैसे दिग्गज तथा अन्य दलों के नेता भी पधार सकते हैं। अमेठी नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में जिला स्तरीय युवा सम्मेलन के अंतर्गत मतदाता जागरूकता एवं कोविड अनुरूप व्यवहार में युवाओं की भूमिका विषय पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने कहा कि जिले में मतदाता प्रतिशत बढ़ाने वाले स्वयं सेवकों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। अमेठी जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के करनाईपुर से ठिंगहा से मिसरौली स्टेशन रोड तक उड़ रही है धूल से आवागमन में राहगीरों को उठानी पड़ रही है परेशानी। धूल से आसपास के सड़क किनारे घरों व ग्रामीणों को भी दिक्कत हो रही है। रेलवे के काम में लगे डंपर से ठिंगहा से तिवारीपुर मार्ग 2 महीनों के भीतर ही पूरी तरह खराब हो गया है, जिसे ग्रामीणों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। अमेठी में खराब सड़कों के चलते सड़क किनारे 2 ट्रकें धस गई। आमने सामने क्रॉस करते समय सड़क किनारे से धस गई। ट्रक धसने से लंबा जाम लग गया। वाहन स्वामियों ने ट्रक को बाहर निकाला। इनौना सुकुल बाजार रोड के ऊंच गांव के पास का ये मामला है। अमेठी के पिपरपुर बाजार में थाना अध्यक्ष अखिलेश गुप्ता के नेतृत्व में पैरामिलिट्री फोर्स एवं पुलिस बल के साथ विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को निष्पक्ष शांतिपूर्वक व सकुशल संपन्न कराने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल के साथ पैदल फ्लैग मार्च कर मतदाताओं से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की गई। अमेठी के जगदीशपुर थाना क्षेत्र पिछुती का रहने वाला जवान शहीद हो गया। कानपुर में उसकी तैनाती चल रही थी। काफी दिनों से तबियत खराब होने के कारण लखनऊ में उनकी मौत हो गई और सूचना पर घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उनका आज अंतिम संस्कार उनके पैतृक गाँव में किया गया। अमेठी में फक्कर साहब के नाम से मशहूर कबीर पंथी संत का बीते शुक्रवार को अचानक निधन होने से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। अनुयायियों के बीच उनके ब्रह्मलीन होने की खबर जैसे मिली, संत के अंतिम दर्शन को भक्तों का तांता उमड़ पड़ा। संत के सुबह ब्रह्मलीन होने के बाद से दिन व रात का पता ही नहीं चला। हजारों की संख्या में भक्त मौके पर डटे रहे और उनका अंतिम संस्कार किया गया। अमेठी में कांग्रेस प्रत्याशी 178 विधानसभा तिलोई प्रदीप सिंघल डोर टू डोर लोगों से मिल रहे हैं। ग्राम सभा पिपरी पूरे मियागंज पूरे जहान डोर टू डोर संपर्क किया जा रहा है। लोगों से अपने जीत के लिए अपील की जा रही है। अमेठी DMSP ने किया शराब की दुकानों का निरीक्षण। शराब का नमूना लेते हुए सेल्समैन से पूछताछ की। सिमरौता अहरुआ भवानी इन्होना में किया गया निरीक्षण। अमेठी में न्याय की आस में पुलिस क्षेत्राधिकारी के पास पहुंचा क्षेत्र पंचायत सदस्य रमेश पासी। आसानी कोतवाली से नहीं मिल रही है पीड़ित को न्याय। वहीं पीड़ित को लगातार थाने बुलवाकर पुलिस परेशान कर रही है, इसका आरोप लग रहा है। पीड़ित ने कहा कि अगर न्याय नहीं मिला तो वो आत्महत्या कर लेगा। कुछ दिन पहले का है ये मामला। 2 लोगों के जमीनी विवाद को सुलझाने का है ये मामला। कुछ दबंगों द्वारा जाति सूचक गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी गई है, जिस पर क्षेत्र पंचायत सदस्य ने कोतवाली में तहरीर दी है। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मरौचा तेतारपुर गाँव का ये मामला है। अमेठी तहसील अंतर्गत केशवनगर से बिराहिमपुर मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरपास की मांग को लेकर लगभग 20 ग्राम पंचायतों के करीब 500 से अधिक लोगों ने आज प्रदर्शन किया और चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है।
सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज